यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जहां नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सपा विधायकों और एमएलसी ने जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार धरने पर बैठे विधायकों की संख्या 200 के करीब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर सदन में अपनी बात रख रहे थे, तभी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने मना करते हुए उन्हें बैठने को कहा, लेकिन विधायक उनकी बात को अनसुना करते हुए अपनी जगह पर खड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी विधायक को इशारे से बैठने को कहा, लेकिन हाथ में एक पर्चा थामे गुर्जर बोलने की अनुमति मांगते रहे। जब विपक्षी दल के सदस्य वापस सदन में पहुंचे तो उनकी नजर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर पड़ी और वो उनके समर्थन में लामबंद हो गए। इस दौरान सपा के सदस्य वेल में आकर विधायक के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद बीजेपी विधायकों के समर्थन में सपा विधायक भी धरने पर बैठ गए और इसी दौरान दोनों पार्टियों के सदस्य विधायक एकता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। नंदकिशोर का आरोप है कि उन्हें गाजियाबाद पुलिस ने प्रताड़ित किया है। इसी बात को लेकर वो विधानसभा में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन सदन के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया गया। वहीं सपा विधायकों ने कहा कि सदन में जब सत्ता पक्ष के सदस्य को ही कुछ कहने की अनुमति नहीं है तो विपक्ष की क्या सुनी जाएगी। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि वो जब तक सदन में रहेंगे हमारे विधायक भी उनके साथ रहेंगे। हालांकि विधायकों को मनाने यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद सदन में पहुंचे और बाद में विधानसभा की संसदीय समिति के समक्ष डीएम एसपी को पेश कराने का आश्वासन देकर विधायक का धरना खत्म कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते मुझसे मिलते हैं माननीय सदस्य और मैं उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करता हूं। मैं दोहरा दूं कि आज जब मुझे सूचना मिली सदन के स्थगन के बाद कि कुछ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मैंने उनको संदेश दिया, वह हमारे पास आए, हमने उनकी कठिनाइयाँ सुनी, प्रशासन से जुड़ी कठिनाइयाँ कुछ और कठिनाइयाँ थी, उन कठिनाइयों पर यथासंभव अपने स्तर पर कार्रवाई कराएं और जहाँ अन्य स्तर हैं वहाँ से सहयोग कराने का मैंने उनको आश्वासन दिया। लेकिन सर राम गोविंद चौधरी जी कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। माननीय राम गोविंद चौधरी जी दो तरह से हमारे लिए आदरणीय, पहला कि हम दोनों मित्र हैं पुराने, साथ साथ लंबे समय से विधायक रहे, दूसरे वो हमारे आदरणीय सदन के नेता प्रतिपक्ष, वह मेरे लिए आदरणीय हैं। उनकी बातें कितनी सही होती हैं इसका मूल्यांकन आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, आप फिर कर लेना। आपको बता दें कि लोनी में तैनात फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप है कि विधायक नंदकिशोर ने कार्यालय बुलाकर मीट के होटलों के लाइसेंस न बनाने का दबाव डाला था। फूड इंस्पेक्टर ने मारपीट का आरोप भी लगाया था। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद के एसपी नीरज जादौन की संतुति पर विधायक और उनके साथियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506 और 332 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।